हिंदी के निर्माण का युग था, और वो चाहे श्याम सुंदर दास हो या रामचंद्र शुक्ल हो या नरेंद्र दुलारी वाजपेयी हो, उस जमाने के जो भी आलोचक थे वो एक मिशनरी भाव से और हिंदी को एक अकादमिक भाषा के रूप में तैयार करने की दिशा में ही काम किया, और इसलिए उन लोगों ने बहुत व्यवस्थित काम किया। लेकिन धीरे धीरे उस तरह का उत्साह कम होता गया, शायद उसकी जरूरत भी नहीं गई, और बड़ा स्वतंत्र रूप से और बिखरा हुआ काम होता रहा। इसलिए बात की चीजों को उस तरह से पकड़ पाना मुश्किल है जिस तरह से उन लोगों के काम को हम लोग रेखांकित कर पाते हैं, क्योंकि वो व्यवस्थित रूप से काम कर रहे थे, बाद में लोगों ने छिप छूट किया। जी सर, अंततः स्थिति यही बनती है कि आलोचना आज जो हाल हिंदी आलोचना है उसका एक व्यवस्थित विकास कभी या व्यवस्थित इतिहास लिखने की स्थिति में नहीं होते। सर, मैं वापस कथा आलोचना पर आता हूँ। हिंदी कथा साहित्य में समय समय पर यों प्रतियों के स्वतंत्र रूप से खूब चर्चा होती है, खूब लिखा गया, पढ़ा गया, लेकिन कथा आलोचना का व्यवस्थित विकास क्यों नहीं हो पाया? इतना आलोचना का विकास हम देखते हैं कि कविता का मिल जाएगा, उतना हमें कथा साहित्य का नहीं मिलता है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, और जो उसकी वास्तविक सच्चाइयां हैं उसके बारे में जरा बताएं। अच्छा, जो सवाल आप कथा आलोचना के संदर्भ में कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि वो सवाल पूरी ही आलोचना पर ही लागू किया गया। आलोचना की धारा मुझे लगातार क्षीण होती हुई नजर आ रही। जितनी व्यवस्थित आलोचना ये कहिए कि 60 तक की जाती रही, उसके बाद रामविलास शर्मा जी वाला जो जमाना था उसके बाद आलोचना की धारा लगातार कमजोर होती गई है। और अगर आज की आप बात करें तो मैं आप शुद्धि मित्रों से ही जानना चाहूँगा कि आप कविता की आलोचना में किन बड़े आलोचकों को, किन कृतियों को याद कर लेंगे, कथा की आलोचना में किन को याद कर लेंगे। आज असल में आलोचना रिड्यूस होकर समीक्षा तक सिमट गई है, कृतियों की समीक्षा होती है और समीक्षा की हालत और ज्यादा खराब हो गई है कि वहाँ कोई भी अपनी आलोचना सुनने को तैयार नहीं है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी प्रशंसा कर दी जाए। तो वो कुल मिलाकर जिसको बाद में हम प्रायोगिक समीक्षा कहते हैं, हम लोग वहां तक चले आए हैं। आलोचना जैसा काम अब बहुत कम। एक और बात हो गई है, जो प्रकाशन की स्थितियां हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। वो जिस जमाने की हम लोग बात कर रहे हैं तब प्रकाशन की स्थितियां, चाहे प्रकाशन इतना अधिक नहीं था लेकिन विश्वविद्यालयों की और उन सबकी जरूरत थी, तो उस तरह का काम प्रकाशित हो रहा था। आज हर कोई शॉर्टकट अपनाना चाहता है कि आप अगर कथा की आपको पढ़नी है तो उसको पढ़कर जितनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी उतनी मेहनत करने की लोगों में शक्ति, क्षमता या इच्छा नहीं रह गई है। ये भी एक बड़ा कारण है। मुझे लगता है कविता लिख देना, एक कहानी लिख देना, एक उपन्यास लिख देना, मित्र मुझे क्षमा करेंगे, वो आलोचना लिखने की तुलना में अधिक आसान है। अगर आपको एक उपन्यास लिखना है तो आपने बहुत मेहनत की, आपने उसके लिए तथ्य जुटाए, आपने सब कुछ किया, आपने उसकी योजना बनाई, लेकिन मेरे ख्याल से उस उपन्यास की आलोचना करने में जितना श्रम लगता है उस श्रम की तुलना में वो श्रम कम होता है, और आज श्रम करने की आदत लोगों की कम होती जा रही है। ये भी एक बड़ा कारण।